सो गाइस फाइनली अपना राइड चालू हो चुका है एंड दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। एज यूजुअल यहाँ पे पुलिस लोग हैं जो कि आगे जाने नहीं दे रहे बिकॉज पानी का फ्लो खूब फास्ट है, पानी आते एकदम चुप करूंगी हूँ जाते आप लगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल नागेश द व्लॉगर। कशा आहात तुम्ही सगळे? मस्त मजेत ना? मजेत असायला पाहिजे। आणि आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो एक नवीन व्हिडिओ। आज संडे आहे म्हणून तिकडे जातोय, शॉर्ट राईड असेल, एक तास जायला, एक तास यायला आणि अर्धा तास एन्जॉयमेंट। तर आता आपण बाईक वरती भेटूयात। तयारी झालेली आहे आणि आम्ही आता निघतोय। सो गाइज फायनली अपना राइड चालू हो चुका आहे और अपन जाएंगे सीधा ब्रेकफास्ट के लिए अपने अड्डे पे, जहाँ पे हम खाते हैं दाल पकवान। उल्लासनगर मधे सामने दिख रहा है आपको ये अपना महादेव दूध भंडार, जो अपने एक मित्र का है। एंड दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। ये दाल है और ये पकवान है फॉर महेश और वहाँ पे अपनी ग्रेस है। फटाफट खाते हैं और निकलते हैं राइड पे। मस्त डन। याच्यामध्ये तीन डाळ आहेत, ही सफेद चना, सफेद मूग, ही चना आणि ही नंतर अख्खा मूग। आणि आता आपली राईड सुरू होणार। मस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से निकल पड़े हैं राइड पे और यहाँ पे आगे ही आपको दिखेगा अंबरनाथ का शिव मंदिर। और आई होप लास्ट वीडियो आपने जो देखा, बहुत बारिश हुआ था बॉम्बे में, जहाँ से ये अंबरनाथ का शिव मंदिर मतलब पूरा भर के बह रहा था। अपन जाने हैं वो पहाड़ के वो साइड में और ये अंबरनाथ का मरीन ड्राइव। अभी हमें फ्यूल अप करना है एंड ये देखो निब्बा निब्बी गोइंग ऑन अ ड्राइव। अगर आप ये वाटरफॉल विजिट के लिए समझो ठाणे से आ रहे हो या बॉम्बे से आ रहे हो, तो बदलापुर पाइपलाइन रोड से सीधा सीधा जाना है। बदलापुर से होकर आपको एक टर्न आएगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा रास्ते में। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको बदलापुर उतरना है। बदलापुर उतरने के बाद आप वेस्ट में जाना है। वेस्ट से आपको 50 रुपीज़ पर सीट ऑटो रिक्शा वहाँ पे आपको मिलेगी। सो रिक्शा में बैठ के आप सीधा कोंडेश्वर वाटरफॉल या धनगर वाटरफॉल भी जा सकते हो। अभी बाइक में फ्यूल अप करना है। अभी मैंने 350 का पेट्रोल भर लिया है और यहाँ से वाटरफॉल ओनली 30 मिनट्स पे है। तो मिलते हैं बीच बीच में। आइए बाबा, ये वरती है। अरे काय माणूस है। हाँ, ये ऐसे लोग राइड का मजा किरकिरा करते हैं। अभी हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है, फिर उसके बाद फिर से और एक राइट टर्न है जो कि आप देख रहे हो। और बारिश आ रहा है, बारिश जा रहा है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। जल्दी जल्दी अपन वाटरफॉल पहुँचते हैं। यहाँ से आगे 2 मिनट ड्राइव करने के बाद एक हाईवे से राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद हमें सीधा सीधा जाना है, वहाँ से एक कमान आएगा। कमान के बाद हमें और एक राइट टर्न लेना है, फिर एक छोटा पुल आएगा। वो पुल पार करने के बाद हमें सीधा कोंडेश्वर और धनगर वाटरफॉल के लिए दो अलग अलग रास्ते मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आगे पुलिस लोगों ने रोका रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें और एक राइट टर्न लेना है और वहाँ से आपको राइट साइड में कोंडेश्वर टेम्पल के लिए रास्ता है और लेफ्ट साइड में आपको धनगर वाटरफॉल के लिए रास्ता है। और एज यूजुअल यहाँ पे पुलिस लोग हैं जो कि आगे जाने नहीं दे रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप देख सकते हो 2-3 पुलिस आके हमें रिटर्न जाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमारा प्लान अभी चेंज होगा। अभी मैं और महेश यहाँ से प्लान चेंज करके हम लोग जाने वाले हैं आनंदवाड़ी वाटरफॉल जो कि आता है नेरल में। सो इट्स ओके, ऑफ रोड करेंगे और नेरल का वाटरफॉल एक्सप्लोर करेंगे। अभी राइडर चेंज हुआ है, महेश बाइक चला रहा है और हम लोगों ने ऑलमोस्ट वांगनी क्रॉस किया है। अभी हम लोग नेरल पहुंचने वाले हैं और महेश को बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाते हुए बिकॉज महेश ने 2-3 महीना बाइक चलाई नहीं है और इतना बारिश में महेश अच्छे से 70-80 पे क्रूज कर रहा है और ये एक नंबर सीन है। अभी बाइक फिर से मैं चला रहा हूँ बिकॉज महेश को रास्ता आगे का पता नहीं है और हम लोग गलती से माथेरान की एंट्रेंस तक गए थे तो हम लोग रिटर्न आए। और जो ये आगे आपको राइट दिख रहा है टूवर्ड्स करजत जाते समय, वो राइट हमें लेना है। परत ऑफ रोड शुरू झालेला आहे गाइस, वो दिख रहा है आपको वॉटरफॉल वहाँ पे। वॉटर क्रॉसिंग, वॉटर क्रॉसिंग, वॉटर क्रॉसिंग गाइस, वॉटर क्रॉसिंग। नजारे ही नजारे हैं, क्या नजारा है, मस्त मौसम है,
शुद्ध शाकाहारी जीवन भेटेल गाइस। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है, मुझे पता है 10-15 मिनट वॉक है। यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। जहाँ तक बाइक जाता है वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा और फिर वहाँ पे बाइक पार्क करके हम लोग चल के जाएंगे, करेंगे ट्रैक। गाड़ी पार्क की पांच मिनट वॉक, त्याच्यानंतर आपल्याला वॉटरफॉल भेटेल। We have reached Anandwadi waterfall. I will show you. Whoa, एक नंबर। फाइनली आपण आनंदवाडी वॉटरफॉलच्या इथे पोहोचले। आपला प्लॅन ॲक्च्युली धनगर वॉटरफॉलला जायचा होता, पण पोलिसांनी आवडल्यामुळे आपण इकडे आलो आहे। आणि माझ्यासोबत महेश पण आहे। एक नंबर। और पीछे देख सकते हो मेरे वॉटरफॉल, मस्त मजा आ रहा है। पाण्याचा फ्लो खूप फास्ट आहे, पाणी असं एकदम खूप करून घेऊन जाते आपल्याला। वॉटरफॉल के ऊपर अपन जा रहे हैं अभी गाइस, पीछे वॉटरफॉल। गर्दी अभी कमी हो रही है। देख लिया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऐसी वाटरफॉल पे आके मस्त अपनी लाइफ एंजॉय करो। अभी हमें घर के लिए वापस निकलना है, मिलते हैं रास्ते में। अभी मेरी बाइसेप देखो, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। ये वाटरफॉल को कैसे आना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो, कहाँ से भी आ रहे हो, तो आपको नेरल आना है। नेरल से आपको आनंदवाड़ी जगह पर आना है। आनंदवाड़ी एक छोटा गाँव है, और आनंदवाड़ी आने के बाद आपको 2 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, हार्डली 5 मिनट। उसके बाद 10 मिनट चल के यहाँ तक आना पड़ेगा। एक नंबर वाटरफॉल है, आप आके मस्त एंजॉय करके जा सकते हो। और मेरे बाइसेप भी देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो नीचे बहुत सारे लोग आए छोटे बच्चों के साथ। आप भी आपके फैमिली के साथ आके ऐसे एंजॉय कर सकते। ये वाटरफॉल लाइक ट्रेडिशन हुआ है, हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी दिस इज़ माई 3rd टाइम फॉर द लास्ट 3 years, मतलब एवरी ईयर मैं आता हूँ यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे सेफ। बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा।